दोस्तों, रोजाना चाय और कई तरह की मसालेदार सब्जियों में डाले जाने वाला अदरक आपकी सेहत को बेहतरीन फायदे देता है। अदरक को केवल चाय और खाना पकाने में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसके कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ और भी फायदे हैं जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अदरक हमारे शरीर पर रामबाण की तरह काम करता है। अदरक संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। अदरक में एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव होता है। प्रयोगशाला में किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि अदरक के अर्क में एंटी माइक्रोबियल असर होता है, जो आपके शरीर को कई अलग अलग जीवों को नष्ट करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, अदरक आपके शरीर की वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, अदरक एक हार्ट बर्न के उत्पादन को उत्तेजित करता है, और ये होता है इसमें मौजूद पदार्थ जिंजराल के कारण। ताजा अदरक के आपने जूस, चाय या बस गर्म पानी में ताजा अदरक के टुकड़े शामिल करने हैं। अदरक औरतों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। अदरक मासिक धर्म के दर्द को छुटकारा पाने में सहायक होता है। आप निस्संदेह इस बात से सहमत होंगे कि मासिक धर्म के दौरान होने वाली ऐंठन बिल्कुल भी सुखद एहसास नहीं करवाती। दुर्भाग्य से दर्द के लिए पैरासिटामोल को छोड़कर कुछ ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन 2009 में किए गए एक मेडिकल अध्ययन के अनुसार अदरक मासिक धर्म के दौरान पेट में ऐंठन से राहत देने में मदद करता है। अदरक वाले कैप्सूल इबुप्रोफेन जैसी दवाओं जितने ही प्रभावित सिद्ध हुए हैं, तो बेहतर यही है कि अगले मासिक धर्म से पहले आप अपने पास अदरक का स्टॉक जरूर रख लें। अदरक जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से भी राहत दिलाता है। चाहे एक कड़ी कसरत करने के बाद आपकी मांसपेशियों में दर्द हो या फिर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हो, अदरक दर्द से राहत देने में आपकी मदद करता है। अदरक के साथ गुड़ मिलाकर मट्ठे के साथ पीने से पीठ और कमर के दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आप हर रोज सब्जियों में अदरक का उपयोग करेंगे तो आपके शरीर में होने वाले बात रोगों से मुक्ति मिल सकती है। अगर किसी को हिचकी लग रही हो तो अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से आराम मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी के साथ कफ हो गया है तो उसे रात को सोते समय दूध में अदरक डालें और उबाल कर पिएं। ये प्रक्रिया करीबन 15 दिनों तक अपनाएं। इससे सीने में जमा कफ आसानी से बाहर निकल आएगा। इससे रोगी को खांसी और कफ दोनों से आराम महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, इस नुस्खे को अपनाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि रोगी को अदरक वाला दूध पिलाने के बाद पानी ना पीने दें, तभी ये नुस्खा कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, हमने आज आपको अदरक से होने वाले फायदों के बारे में बताया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। और इसी के साथ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें। नमस्कार।